कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन बीते कई महीनों से चल रहा है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अभय चौटाला भी किसानों के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने दावा यह किया कि आने वाले समय में देश में मध्य अवधि चुनाव तक हो सकते हैं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के मंचों से सियासी लोगों को दूर रखने का भले ही आंदोलनकारी नेताओं ने ऐलान कर रखा हो, लेकिन हाल ही में अपनी सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आंदोलन से खुद को दूर न रख पाए। ओपी चौटाला बहादुरगढ़ के आंदोलन स्थल पर पहुँचे। ओपी चौटाला ने किसान नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में सत्ता किसानों के हाथ में आएगी। निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा, केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं समूचे राष्ट्र के स्तर पर। किसानों के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इन तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और किसानों से मुलाकात की। ओपी चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन का असर आज इतना है कि केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टियां उनका साथ छोड़ रही है, जिसके कारण देश में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। समूचा देश आपके साथ होगा, इन लुटेरों की सरकार का पतन होगा, निश्चित रूप से इस देश में मध्यावधि चुनाव। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान बीते कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कई दौर की बैठकों का नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया। प्रदीप धनकर, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक।